आपके सामने दुनिया की मोस्ट लोडेड अप्रिलिया 160 SXR। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका अपना राजभाग राज, आपके सामने दुनिया की मोस्ट लोडेड अप्रिलिया 160 SXR। और मैं इसमें दिखाऊंगा बहुत सारी मॉडिफिकेशन जो कि इसमें कुछ नीडफुल है, कुछ टूरिंग है और कुछ डिफरेंट एंड यूनिक है। सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ मैं मॉडिफिकेशन से। तो देखिए, ये करी मैंने चाबी ऑन, नीचे हेडलाइट दिखाई, आप चाबी ऑन करते हैं, ये देखिए, ये आपको दिख रही है। इसे कहते हैं अल्टीमेट मॉडिफिकेशन जो कि इसके अंदर की गई है। आपने शायद ही किसी अप्रिलिया के अंदर इतनी सारी मॉडिफिकेशन देखने मिलेगी आपको। ये DRL से जो कि रेड कलर के इसके लगा बना दिए गए हैं। इसके डिज़ाइन आपने देखा होगा ज़्यादातर R15 वगैरह के अंदर या और किसी बाइक के अंदर, बट ये देखो इसके अंदर भी कर दिया गया है। ये टॉप नॉच वर्क, और साथ में इसमें दिखाऊंगा आपको, देख सकते हैं ये इसके जो जल रहे हैं ना, ये जल रहे हैं इसके हैजार्ड से, जो कि होता है इंडिकेटर हैजार्ड। इंडिकेटर हैजार्ड के जलने का कारण देखो, राइट लेट पुश, ये आपका पैटर्न चेंज, राइट लेट पुश, ये हो गया पैटर्न चेंज, राइट लेट पुश, ये हो गया पैटर्न चेंज। तो ये क्या है, इसमें लगाया गया सिमटेक ओरिजिनल हैजार्ड, जिससे आपको मिलते हैं 20-30 पैटर्न्स, और इसकी मिलती है पूरी एक साल की गारंटी विद कार्ड। कार्ड अगर नहीं हो तो कोई गारंटी नहीं होगी, क्योंकि बहुत से लोग कार्ड खो देते हैं, फिर कहते हैं भैया गारंटी थी चेंज कर लो, तो बिना कार्ड के भैया ये चेंज नहीं होता है, कार्ड आपको लाना ही पड़ेगा। तो ये आपको मैंने दिखा दिया, अब आपको दिखाता हूँ नीचे, देख सकते हैं इसमें लगे हैं फॉग लैंप जो कि मिलेंगे सिंगल फ्यूचर आई, और ये भी है HJG ओरिजिनल। और अब मैं दिखाता हूँ इसकी रोशनी किस तरीके की इसकी रोशनी होने वाली है। ये देखिए, ये होगी इसकी वाइट, ये हो गया इसका वाइट, ये हो गया इसका येलो, वाइट और ये हो गया येलो। तो ये जो फोकस है ना इसका काफ़ी ज़बरदस्त है, जब रोड पर निकलेगी ना तो रोड प्रेजेंटेशन होने वाली है आपकी खुद की, क्योंकि भैया आप लेके निकल रहे हो ये अप्रिलिया SXR। लोगों की तो सुपर बाइक वगैरह या वैसी बाइक उन पर लोग देखते हैं, बट आपकी भी दिखने लायक बन चुकी है। अगर आपकी नहीं, भैया की, वैसे तो आपकी तो जब आप करवाओगे तब बनेगी, तो भैया की बन चुकी है। तो ये आपने देख लिया, फिटिंग देख लो क्या ज़बरदस्त है इसकी। फिटिंग का सबसे ज़्यादा महत्व होता है, कभी भी कहीं से भी काम कराना हो तो फिटिंग पर फोकस ज़्यादा देना, क्योंकि क्या होता है नॉर्मल लोग काम तो कर देते हैं बट उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलता। आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वायरिंग की वजह से, फिटमेंट की वजह से, कहीं पत्ती टूटती है, कहीं आपका वायरिंग क्लैश हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसलिए मैं आप कह रहा हूँ प्रोफेशनल से ही करवाएं, चाहे आपकी कोई सी बाइक, कोई सी भी स्कूटी हो, कुछ भी हो। ये आपका हो गया, अब आपको दिखाता हूँ इसके अंदर ऊपर, ये देखिए, ये इसके मिरर जो कि हैं लाइटिंग वाले। इसमें आपको सेम लाइटिंग इधर मिलेगी, आपको इंडिकेटर पर सेम मिलेगी, आपको इस तरफ भी, जब भी कोई बंदा राइड कर रहा है या राइड कर रहे हैं तो राइट जलेंगे तो राइट का आपको शो हो जाएगा कि राइट जल रहा है, लेफ्ट जलाएंगे तो आपको लेफ्ट का शो हो जाएगा। ये इसलिए होता है कि जब राइड करने के बाद इंडिकेटर जला के हम भूल जाते हैं कि हमने टर्न तो ले लिया, अभी कार तो है नहीं कि आपने मोड़नी है और आप मोड़ने के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, तो उसको बंद करना पड़ता है। तो ये आपको इंडिकेट करके बताता है कि भैया अब आप मोड़ चुके हो, उसको कृपया बंद कर दो, इसका कोई यूज़ नहीं है, नहीं तो एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाएगा। तो ये उसके इसमें लगाए गए, देखिए इसके अंदर मिरर जो कि लाइटिंग वाले ड्यूल साइड लाइट वाले। अब आपको दिखाता हूँ इसके अंदर BSGP का ओरिजिनल, ये है आपका मोबाइल होल्डर, जिसमें मोबाइल होल्ड करने के बाद आराम से कहीं पर भी आप जा सकते हो GPS ऑन करके, और किसी भी जो भी आपका एरिया ना देखा हो वहाँ भी जा सकते हो, दिल्ली से बाहर हो या कहीं और हो, इंडिया में कहीं भी किसी भी कोने में जाना है तो इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है आपको, चाहे वो छोटी सी गली हो चाहे वो बड़ा सा मोहल्ला, हर जगह आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो मोबाइल होल्ड करके GPS में निकल जाइए कहीं पर भी। और इसके बाद देखो, एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ, सुनाऊँगा बाद में, देखिए जो सबसे इसके टॉप नोच वर्क है ना वो दिखाता हूँ। कि देखिए, ये आपको वैसे तो देखने को लग रहे हैं पता नहीं क्या लगा हुआ है, बट ये हैं इसके स्पीकर जो कि आपने देखे होंगे मेरी, मैंने हिमालयन में लगाया, RR 310 में लगाया, सुपर मिट्योर में लगाया है, बहुत सारी बाइकों में लगाया है, और इनफैक्ट एक बर्गमैन भी लगाया था। और अब स्कूटी ये सेकेंड होगी जो कि इसके अंदर आपको इंस्टॉल मिलेंगे आपके सुपर बाइक वाले, और ये हार्ले स्टाइल वाले, इसे कहते हैं स्पीकर, जो कि होते हैं स्टेनलेस स्टील, बट ये ब्लैक में है, क्योंकि भैया को ब्लैक चाहिए तो ब्लैक लगा दिया गया। इसमें आपका स्टेनलेस स्टील कलर भी आता है जो कि मिलता है वो क्रोम वाला, बट साउंड सुनाऊंगा बाद में, पहले आप लुक देख लो इसकी किस तरीके की आती है। ये तो फुल्ली वाटरप्रूफ, ये होते हैं फुल्ली वाटरप्रूफ, देख सकते हो आप पूरी तरीके से वाटरप्रूफ है, कहीं भी इसमें पानी वानी जाके ख़राब होने वाले नहीं है। और इसके साउंड सुनाऊंगा एंड में। अब आपको एक चोर दिखाते हैं, देखिए ये है इसके हैंड ग्रिप, जो इसमें ओरिजिनल ग्रिप होते हैं वो हटाकर इट मीन्स वो काटने ही पड़ते हैं, और ये भी ओरिजिनल ग्रिप है जो कि इसके अंदर लग गए हैं। आप देख सकते हैं ब्लैक एंड रेड गाड़ी है, ब्लैक एंड रेड ही आपके ग्रिप हैं जो कि इसके अंदर लगा दिए गए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त फिनिशिंग के साथ हैं, और ये लगेगा भी नहीं कि आपने आफ्टर मार्केट लगा, क्योंकि भैया क्वालिटी ऐसी देते हैं। और इसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको टूरिंग क्रूज़र सीट, ये इसकी लेटेस्ट वाली टूरिंग क्रूज़र सीट जो कि इसके अंदर आपकी इंस्टॉल कर दी गई है, लगा दी गई है, बना दी गई है। लुक आप चेकआउट करोगे ज़बरदस्त आ रही है इसकी, तो बहुत ही अल्टीमेट फिनिशिंग, और भैया सॉफ्ट काफ़ी है, जब भी राइडर बैठता है ना, देखिए मैं बताता हूँ, देख के बताता हूँ, ये देखिए
वैसे दर्द हो रहा था लेकिन कम हो गया इसे बैठने के बाद। ये देखिए तो ये टूरिंग क्रूज़र सीट है, जब भी आप इसे बैठेंगे और राइड करेंगे तो वैसे महाराज वाली फील आपको आने वाली है, क्योंकि ये सीटें ऐसी होती हैं कि स्कूटी के अंदर ना बड़ी सीट होती है उसके अंदर क्रूज़र सीट बनवा लेते तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया था इसके अंदर। तो ये आपको देखने को मिल गई इसके अंदर टूरिंग क्रूज़र सीट जो कि मैंने आपको दिखाई। और अब दिखाता हूँ इसके अंदर एक और टॉप बॉक्स। ये देखिए ये है टॉप बॉक्स, इसे कहते हैं टॉप बॉक्स क्योंकि इसके अंदर इंस्टॉल कर देगा। नीचे टॉप पर प्लेट लगी हुई है और टॉप बॉक्स आपका लगा, इसमें आपका छोटा मोटा सामान कोई भी कैरी कर सकते हो, बॉटल वगैरह रखनी हो, कुछ और रखना हो तो आप आराम से इसके अंदर कैरी हो। स्पेस दिखाता हूँ कितना होता है, ये होता है अपना स्टड्स का, बाकी लगाने को आप किसी भी कंपनी का लगा सकते हो, बहुत सारी वैराइटीज़ अपने पास मिल जाती है। ये देखिए स्पेस देख लीजिए आप, ये देखिए आराम से बहुत सारा सामान इसके अंदर आ जाता है। ये इसका होता है पैड, पैडिंग जो कि इसके अंदर लगा दी जाती है। पीछे मिलता है इसके अंदर एक बैकरेस्ट टाइप छोटी सी कुशनिंग वाला, ये जो कि अब देखना मिलेगा पैडिंग। और इसे अब करते हैं हम बंद, और अब इसके बाद अब जो इसमें टॉप नॉच वर्क है वो मैं दिखाने वाला हूँ आपको। मुझे पता है आप सबको बहुत बेसब्री से इंतजार है, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और दिखा देता हूँ। ये है इसमें सेंटर लॉक जो कि लगा दिए गए, इसका भी मैं फीचर दिखाता हूँ आपको। देखिए जब भी आपने ये चार फीचर दिखाई शो करिए, चार फीचर ये होता है आपका लॉक का। अब ये लग गई लॉक, लॉक मीन्स गाड़ी लॉक नहीं हुई है, ये हुआ है इसका इग्निशन लॉक, और आपका कहीं भी टच करिए तो सायरन बजने लग जाएगा। ठीक है जी, अब अगर जो आपने इसे बंद करना है तो वो बताऊँगा बाद में, बंद कर पहले दिखाता हूँ इसके बाद क्या होता है। लॉक लगाने के बाद एक बार चढ़ा हल्का सा बजा, अब दिखा दो जरा, ठीक है 30 सेकेंड का इसका टाइम है। आपको खुद बंद करना तो आप ये बंद कर सकते हो, ये रख अनलॉक से आपके सारे फीचर्स बंद हो जाएंगे। 30 सेकेंड का इसका खुद का टाइम है, 30 सेकेंड में आपका ये बंद हो जाता है। और इसके बाद आपको देखने को मिलेगा इसमें ये है इसका अलार्म सिस्टम, जिसे आप खड़ी करें, जैसे पार्किंग वाले क्या होते हैं कहीं पर भी खड़ी कर दिया आपने, जैसे मान लो इधर खड़ी है और घुमा के कर दी कहीं और खड़ी, तो उस केस में आपको तो पता नहीं आपने यहाँ खड़ी करी है, आप तो यहीं आकर ढूंढोगे, तो उस केस में क्या होता है सीधा बजाना अलार्म, ये अलार्म बजेगा पता लग गया आप मेरी बाइक वहाँ खड़ी है, स्कूटी वहाँ खड़ी है, अनलॉक सारा इससे हो जाएगा। ये देखिए अनलॉक का बटन, ये इससे सारे अनलॉक होंगे। अब दिखाता हूँ आपको एक बहुत ही लेटेस्ट फीचर जो कि इसके अंदर होता है, होता ही है सभी सेंटरों के, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए ये है जादू, ये होगा एक प्रेस, ये होगा डबल प्रेस। तो ये था इसका जादू जो मैंने आपको दिखाया, डबल प्रेस करते ही बाइक की स्कूटी या बाइक कुछ भी हो ये हो जाती है स्टार्ट, जो कि आप देख सकते हैं। और इसको भी बंद करने के सिंपली कुछ नहीं करना, वही करना जो पहले मैंने बताया था अनलॉक। ये देखिए ये हो गया अनलॉक, ये होगी बंद, दोबारा दिखाता हूँ स्टार्ट करके, सोच रहे हो स्टार्ट हो कैसे। देखिए ये वाला बटन आप दबाएंगे तो आपकी हो जाएगी स्टार्ट, हो गई। फिर से मैं इसको बंद कर देता हूँ और अब सुनाता हूँ आपको जिसका बहुत बेसब्री से इंतजार था। वैसे वीडियो पहले सुनाता हूँ साउंड, बट इसमें मैंने साउंड सुनाने का सोचा था एंड में सुनाता हूँ। लाइए इसको करते हैं ऑन, ब्लूटूथ मोड। तो ये इसका ब्लूटूथ मोड हो गया कनेक्ट, अब कनेक्ट करने का सुनाता हूँ उसकी साउंड, बहुत ही ज़बरदस्त प्यारी साउंड है। ये रहा इसका यूट्यूब, कॉपीराइट का कोई नहीं ले चलाएंगे हम, चलाएंगे ये देखो। ये है इसका म्यूजिक, और म्यूजिक में करें डांस कहीं पर भी, ऑन रोड ऑन द रॉक। तो अब करते हैं इसको बंद, अब तो इसका ऑन द रॉक भैया तो करेंगे ऑन द रॉक इसके साथ जो इन्होंने लगाया है। और भाई साहब डीजे वाले साउंड आ रही है इसके अंदर, बहुत ही मज़ा आने वाला जब ये रोड पे चलेगी ना, तो लोग भैया से पूछेंगे जरूर, जैसे कि हमारे लास्ट कस्टमर आए थे सुपर मीटियोर वाले, उन्होंने कहीं भी रास्ते में पूछा था हमारे एक भाई से फरीदाबाद में कि भैया ये आपने कहाँ से, तो वो आकर लगवा के गए थे अपनी बाइक के अंदर। तो ऐसे अब इनसे भी लोग पूछने वाले भैया आपने ये लगवाया कहाँ से है, जो कि तो भैया बताएंगे हमारा नाम कि हमने लगाया राजू भाई से। तो पहले मिलवाता हूँ भैया से, बहुत हो गया ऐसी मजाक, वीडियो हो गई कंप्लीट, अब मिलाता हूँ भैया से कि इन भैया को हमारा काम कैसा लगा। भैया हमारे पास रिटर्न कस्टमर है, पहली बार नहीं आए, तो पहले का एक्सपीरियंस सुन लें फिर आपका एक्सपीरियंस। तो भैया आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम केशव है, ठीक है, स्पेशली मैं गोवा से हूँ। गोवा से? हाँ, और मैंने SKD बाइक देखा था पहले, तो लास्ट टाइम मैंने मोटरसाइकिल किया था यहाँ पे, इस बार फिर कुछ और करना था तो इसलिए मैं आया था यहाँ पे, तो बहुत ही अच्छा लगा मिलके और काम बहुत अच्छा है सर का। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा, जो आपने लास्ट वर्क करवाया था ना, लास्ट टाइम जो वर्क करवाया था, तो एक्चुअली पता क्या होता है, बहुत से लोग सोचते हैं कि यार रिव्यू, मतलब उनके बहुत से लोग थिंकिंग बता रहा हूँ आपको कि रिव्यू तो ले रहे हैं हम, बट काम अभी करवाया है, अब जाने के बाद पता लगेगा कि यार कैसा काम हो गया। तो आप रिटर्न कस्टमर है, तो रिटर्न कस्टमर से हम ये पूछना चाहते हैं भैया, बहुत ही अच्छा है, पहले का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका जो काम? पहले का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था,
लेकिन इस बार मुझे कुछ और चीज़ें ऐड करनी थी, तो इसलिए वापस आया मैं, क्योंकि हमें बहुत सारी दुकान में वो सब छोड़ के इधर आया हूँ, क्योंकि मैं वहाँ रहता हूँ, यहाँ पे जब आता हूँ नोएडा में घर है तो वहाँ से फिर स्पेशली यहाँ पे आता हूँ मैं और इसी दुकान पे आता हूँ, क्योंकि यहाँ पे काम अच्छा है और भाई अच्छे हैं। तो ये सब भाइयों का प्यार है और भाइयों का ट्रस्ट है जो हम पे बना हुआ है। लास्ट टाइम भी भैया ने जो काम करा आज तक कोई दिक्कत नहीं आई, किस तरीके कोई दिक्कत नहीं आई है। सबको कितना टाइम हो काम कराए हुए? एक साल या दूसरा साल है। एक साल से ऊपर हो चुका है भैया काम कराए हुए। तब से भैया हमने जो काम किया था उस काम के अंदर एक में भी बाय डिफ़ॉल्ट कोई प्रॉब्लम नहीं आई है और हम आशा करते हैं आगे भी नहीं आएगी हमारी तरफ से। तो इसी के लिए आपको बोला जाता है कि जब भी आप आएँ ट्रस्ट वाले बंदे पर ही जाएँ जिस पर आपको ट्रस्ट हो, और ट्रस्ट पर वो खड़ा होता है, क्योंकि काम तो हर कोई कर देता है बट काम के साथ साथ ना एक वैल्यू मिलती है आपकी बाइक की, आपकी स्कूटर की, और फिर वैल्यू मिलती है आपको कि यार आपने क्या काम कराना है क्या नहीं कराना है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। ये नहीं है कि आपने छोटा कराना तो हम आपको वैल्यू नहीं देंगे, बड़ा कराओगे तो वैल्यू देंगे। बिल्कुल सही। तो छोटे बड़े काम का कोई महत्व नहीं होता, मेन ही होता है कि भैया जर्मन शॉपकीपर से जाओगे, जर्मन वर्क कराओगे, आपको कोई वायर कटिंग नहीं, कोई आपका किस तरीके की प्रॉब्लम आपको फेस करनी नहीं पड़ेगी, जैसे कि भैया को भी नहीं करनी पड़ी है। तो आपको पता है कि आपका भाई हमेशा यही काम करता है टॉप क्लास वाला, क्योंकि हम हैं एक्सपीरियंस होल्डर। 25 ईयर का हमारा एक्सपीरियंस है जो कि हम वर्क करते हुए आ रहे हैं इसका मॉडिफिकेशन का, और 3 साल हो गए हमें करोल बाग के अंदर, जो कि आपको मिलती है हमारी शॉप दिल्ली के करोल बाग के अंदर, आर्य समाज रोड, जो कि फ्रंट पे होता है हमारा आर्य समाज रोड, बैक साइड में मिलेगा आपको 36 नंबर गली। तो हमारे दो एड्रेस मतलब एक ही शॉप के 2 एड्रेस हैं, जब भी आपको आना ये देख लें। और एक चीज़ और नोटिस कर लेना कि हमारी जो शॉप है ना वो ऑन रोड है, अंदर नहीं जाना है, ऑन रोड पर ही आना है। ऑन रोड मिलेगी आपको हनुमान जी की जो मेन मूर्ति है ना, बड़ी सी मूर्ति, उस बड़ी सी मूर्ति से आप टर्न जो लेंगे गोल चक्कर से मार्केट के लिए, तो पहले चौक पर ही हमारी शॉप मिल जाती है। जैसे कि हनुमान जी की मूर्ति वहाँ पर लगी हुई है, ऐसी हनुमान जी की मूर्ति मेरे शॉप पर, मेरे बोर्ड पर लगी हुई है जो कि बालाजी महाराज की फ़ोटो है, तो उसको जरूर देख लें जब भी आपको आना हो। तो वीडियो अच्छी लगे ध्यान रखना, वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपके लिए आपका भाई ना इतनी मेहनत करता है ना, तो आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। वैसे तो आपकी मर्जी है, जबरदस्ती तो है नहीं, लेकिन फिर भी कर दोगे तो आपको इंटरेस्टिंग वीडियो इनबॉक्स इसी में मिल जाएंगे आपको, राजू भाई SKD पर सेम मिलेगा आपको, इंस्टाग्राम पर सेम मिलेगा आपको, यूट्यूब पर भी। तो मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो, जब तक मेरे जश्न में बता दिया, गुड बाय।